मुंबई इंडियंस की बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह इन्होंने परफॉर्म भी किया है दो मैचेस अभी तक खेले हैं दोनों ही जीते हैं पहले दिल्ली कैपिटल्स को हराया चार विकेट से और उसके बाद गुजरात जायंट्स को हरा कर आ रहे हैं पांच विकेट से अगर मैं गुजरात जैंस वाले मैच की बात करूं तो एमआई ने केवल 126 ट्वेंटी ही दिए थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए जहां पे अमिल्या केर ने चार विकेट्स निकाली थी एंड शबनम इस्माइल ने भी तीन विकेट्स निकाली थी नाइट्स केवर और हेली मैथ्यूज़ को एक एक विकेट मिली थी एंड चेस करते हुए हरमनप्रीत कौर के फोर्टी नॉट आउट अमिल्या कैर के थर्टी ने हेल्प किया एम को ईजिली वो गेम जीतने में यूपी वॉरियर्स की बात करें तो बॉटम ऑफ द पॉइंट टेबल में है दो गेम्स खेली हैं दोनों ही हारी हैं ओपनिंग गेम हारी आरसीबी से काफी क्लोज गेम था दो रन से हारे वो मैच एंड डेली कैपिटल से तो काफी बड़े मार्जिन नाइन विकेट से हारकर आ रहे हैं बैटिंग फर्स्ट यूपी ने टारगेट सेट किया था 120 ट्वेंटी रन का जहां श्वेता सहरावत इनकी टॉप स्कोरर थी 45 फाइव रन इन्होंने बनाए थे एंड बोलिंग करते हुए ये लोग केवल एक ही विकेट गिरा पाए एंड शफाली वर्मा की ब्रिलियंट बैटिंग और मेग लैंडिंग की वजह से बहुत इजीली दिल्ली ने चेस कर दिया था वो टारगेट अगर मैं टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस दो बारी जीती है और एक बारी जीती है यूपी वॉरियर्स अब चलते हैं दोस्तों प्रॉब्लम इलेवन पे तो पहले देखते हैं मुंबई इंडियंस का प्रॉब्लम इलेवन तो खेलते हुए दिखनी चाहिए हेली मैथ्यूज रस्तिका भाटिया इनके विकेट कीपर नेटर ब्रन नंबर तीन पे नंबर चार पे इनकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर फिर मिलकर पूजा वस्त्रगर रमनजोत कौर सजीवन सजना शबनिम इसमाइल कीर्तना बालाकृष्णन और सायका इशाक यूपी वॉरियर्स के प्रॉबल इलेवन की बात करें तो सहेली जो कि इनकी विकेट कीपर भी हैं इनकी कैप्टन भी हैं वृंदा दिनेश के साथ ओपन करते हुए दिखनी चाहिए नंबर तीन पे ताला मैगरात ग्रेस सारे श्वेता सरावत किरण अवगिरे पूनम खेमकर दीप्ति शर्मा सोफी अक्ल राजेश्वरी गायकवाड़ और सुल्ताना खेलते हुए यहाँ पे दिखनी चाहिए बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की तो ये गेम भी होगा चिन्हस्वामी स्टेडियम बैंगलोर में जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इस सीजन में चार गेम्स हो चुके हैं उसका देखा गया 143 फोर्टी रन का फिफ्थ गेम अभी तक नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन चार गेम्स में हमने देखा है कि बैट सेकंड का डोमिनेंस रहा है यानी कि तीन बारी जिन टीम्स ने चेस किया है वो जीती है तो अगेन आप सेम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टॉस के टाइम टीम्स टीम पे पहले बोलिंग लेना चाहेंगे पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं इन पिछले चार गेम्स में तो आप देख सकते हो कि पेसेज ने अराउंड 46% सिक्स परसेंट ऑफ द ओवर्स डाले हैं एंड अराउंड 40% परसेंट ऑफ द विकेट्स निकाली हैं वहीं स्पिनर्स ने 54% फोर परसेंट ऑफ द ओवर्स डाले हैं एंड 60% के आसपास विकेट्स निकाली हैं तो यहाँ पे आपको स्पिन फ्रेंडली कंडीशन अगेन देखने को मिल सकती हैं अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड इन टी ट्वेंटीज की सिंस जून 2023 तो पहले देखते हैं एमआई बैटर्स के रिकॉर्ड्स तो यहाँ पे अमिल्या कैंड ने सबसे ज्यादा रनस बनाए हैं 1232 हंड्रेड बना चुकी हैं 42.5 की एवरेज से नौ बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं 38 इनिंग्स में हेली मैथ्यूज की बात करें तो 1056 थाउजेंड बनाए 34 इनिंग्स में 33 की एवरेज से पांच बार हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुकी है, है नंबर पे 672 इनिंग्स में फिर आती है हरमनप्रीत कौर जिन्होंने 640 फोर्टी रन बनाया थर्टी वन इनिंग्स में ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन की एवरेज से एंड तीन बार हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुकी हैं एम आई बोलर्स में अमल्या केर ने सबसे ज्यादा विकेट्स भी निकाली हैं 37 इनिंग्स में 52 विकेट्स निकाल चुके हैं ब्रिलियंट 16 की स्ट्राइक रेट से हेली मैथ्यूज अगेन नंबर दो पर हैं जैसे बैटिंग सेक्शन में भी हैं थर्टी इनिंग्स में थर्टी एट विकेट्स निकाली हैं अगेन सिक्सटीन की स्ट्राइक रेट से फिर आती मिसमाइल जो कि थर्टी फाइव विकेट निकाल चुकी हैं ट्वेंटी सेवन इनिंग्स में सेवेंटीन पॉइंट सिक्स की स्ट्राइक रेट से इसके अलावा आप देखोगे ने ग्यारह इनिंग्स में निकाली है तेरह विकेट्स फोर्टीन की स्ट्राइक रेट है साइका इशाक भी आठ इनिंग्स में दस विकेट्स निकाल चुकी हैं यूपी बैटर्स की बात करें तो यहाँ चमारी अट्टापट्टू ने सबसे ज्यादा रन बनाए ऑल दो भी पिछले दोनों ही मैचेस में खेलते हुए नहीं दिखी हैं 1066 थाउजेंड बनाए 33 इनिंग्स में 34 की एवरेज से आठ बारी हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुकी हैं अंग्रेस हारे आएंगे नंबर दो पे जिन्होंने 32 टू इनिंग्स में 747 फोर्टी रन बनाए हैं तीन बारी हाफ सेंचुरी लगाई है फिर आती है डैनी वाइट इन्हें भी अभी तक मौका नहीं दिया गया है 20 इनिंग्स में सेवन हंड्रेड रन इन्होंने बनाए हैं आठ बारी हाफ सेंचुरी इन्होंने भी लगाई है थर्टी की एवरेज से ताला मेहराथ की बात करें तो ट्वेंटी तो फोर की एवरेज से बना चुके हैं सिक्स ट्वेल्व रन ट्वेंटी इनिंग्स में एनालिसा हिली एंड ताला मैग्रा दोनों ने दो दो बारी हाफ सेंचुरी लगाई है यूपी के बोलर्स में चमारी अट्टापटू अगेन हैज बीन द पिक ऑफ द बोलर्स 25 विकेट्स निकाली हैं सिंस जून 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इनिंग्स में सोफी एक्ल्टन है 22 टू विकेट्स निकाल चुके हैं 14 इनिंग्स में ब्रिलियंट 14 की स्ट्राइक रेट से तालिया मैगरा ने 19 विकेट्स निकाली हैं ऑलमोस्ट सिक्सटीन की स्ट्राइक रेट से दीप्ति शर्मा पंद्रह विकेट्स निकाल चुके हैं सोलह इनिंग्स में ट्वेंटी की स्ट्राइक रेट से ग्रेस हैरिस की बात करें तो सात विकेट्स इन्होंने भी निकाली हैं ग्यारह इनिंग्स में तो दोस्तों ये हो गए रिकॉर्ड्स की बात अब हम बनाएंगे अपनी बेस्ट टीम एंड बेस्ट टीम हम अपनी बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे जहां पे चल रहा है डब्ल्यू में फ्री गिव अवे इस मैच में भी होने वाला है फ्री गिव अवे यानी कि उस कॉन्टेस्ट में आपको कोई भी एंट्री फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट जीतने का मौका है बहुत बड़ा उजेंड रुपीस अगर आप जीत सकते हो एंड अप टू टीम्स आप इस कॉन्टेस्ट में लगा सकते हो तो जल्दी से खेलना शुरू कर दो फैंटेसी अखाड़ा पे लिंक आपको मिल जाएगा पिन कॉमेंट में डिस्क्रिप्शन में एंड आप एप स्टोर पे जाकर सर्च करोगे फैंटेसी अखाड़ा के नाम से तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा ये ऐप इसके अलावा अगर आप हमारा जो रेफरल कोड है व्यू स्पोर्ट वो यूज करोगे तो आगे जाके और भी एक्साइटिंग ऑफर्स आपको वहां पर मिल सकते हैं अब हम बनाएंगे दोस्तों अपनी बेस टीम तो यहां फिलहाल विकेट कीपिंग सेक्शन में हम किसी को नहीं लेके गए हैं सिनारियो वाइज देखेंगे हम किसको पिक कर सकते हैं बैटिंग सेक्शन की बात करें तो दो तो स्ट्रेट नाम यहाँ पे जो आ जाते हैं वो है मुंबई इंडियंस है हरमनप्रीत कौर और यूपी वॉरियर्स की ग्रेस हैरिस अगर मैं हरमपीत कौर की बात करूं तो ऑलरेडी पिछले दो मैचेस में बहुत ही ब्रिलियंट खेल कर आ रही हैं। पहले मैच में 55 फाइव रन की पारी खेली और दूसरे मैच में 46 सिक्स नॉट आउट रही आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो तीन इनिंग्स में 92 टू रन बना चुके हैं यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट फोर्टी की एवरेज से और एक हाफ सेंचुरी उनके अगेंस्ट भी लगा चुकी है इनके रिकॉर्ड इन डब्ल्यू टी की बात करें लीग वाइज तो लास्ट सीजन में 40 की एवरेज से 281 एटी बनाए उसके बाद से थोड़ा सा फॉर्म इनका जरूर डिप हुआ था थोड़ा कंसर्निंग था बट जब से डब्ल्यूपीएल दोबारा शुरू हुआ है हमने वापस से पुरानी हरमनप्रीत कौर को देखा है तो हम इन्हें डेफिनेटली बैक करेंगे अपनी बैटिंग सेक्शन में ग्रेस हैरिस की बात करें तो ऑलरेडी 55 फाइव ये भी इस सीजन में बना चुकी हैं पहले मैच में 38 एट रन्स बनाए एक विकेट भी निकाली दूसरे मैच में 17 रन की पारी खेली बोलिंग नहीं दी गई थी उन्हें उस मैच में बट इस मैच में यस्तिका भाटिया ओपन करते हुए दिखेंगी एंड डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेस हैरिस आपको बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगी इसके अलावा एल के रिकॉर्ड की इनकी बात करें लास्ट सीजन की तो पांच इनिंग्स में 230 थर्टी रन बनाए थे 57.5 की एवरेज से एंड यूपी वॉरियर्स डब्ल्यू में आज तक चार गेम्स जीती है जिसमें से तीन गेम्स में टॉप स्कोरर रही थी अपनी टीम के लिए तो ग्रेस हैरिस को भी यहाँ आपको बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से इस मैच में वैल्यू मिलते हुए दिख सकती है ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ लेके जाएंगे हेली मैथ्यूज को नैट्स केवल ब्रंट को अमिल्या केयर को दीप्ति शर्मा को और तालिया मैगराथ को हेली मैथ्यूज की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में तीन विकेट्स निकाल चुकी हैं तीन इनिंग्स में एंड सिक्सटी वन रन भी बना चुकी हैं इस सीजन में ऑल दो अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी एक ही विकेट निकाली है एक मैच में दो वर्स करी थी दूसरे मैच में फुल कोर्ट ऑफ ओवर्स डालते हुए दिखी थी बट अगर आप इनका मैचअप देखोगे वर्सेस यूपी बैटर्स तो इन्होंने काफी सारे बैटर्स को परेशान किया है अलीसर हीली को चौदह इनिंग्स में से छह बार ये आउट कर चुकी है तालिया मेघरात को भी बारह इनिंग्स में से चार बार ही आउट कर चुकी है इसके अलावा अट्टापट्टू व्हाइट एक्ल स्टोन सबको दो दो बार ये आउट कर चुकी है तो एक अच्छा मैचअप भी यहाँ हेली मैथ्यूज के साथ देखने को मिल सकता है बैटिंग की साइड से इनकी मैचअप की बात करें तो एकलसन ने इन्हें जरूर परेशान किया है तो से थोड़ा सा इन्हें संभल के जरूर रहना पड़ेगा बट हम इन्हें अपनी टीम में डेफिनेटली बैक करेंगे Nats की की मैं बात करूं तो पहले मैच में टू विकेट्स लेकर आ रही हैं, लास्ट मैच में भी एक विकेट उन्होंने ली एंड ट्वेंटीज में कंट्रीब्यूशन भी दिया है दोनों मैचेस में एंड गेम नंबर थ्री एंड फोर हमने देखा था सेकंड पिच पे खेला गया था जहां पे पावर प्ले में शबनिम इसमाइल और काप दोनों ने बहुत ही बेहतरीन बोलिंग करी थी तो अगर सिमिलर पिच पे ये वाला मैच भी खेला जाता है तो अगेन पावर प्ले में नैट्स के वाइब्रंट तबाही मचाते हुए आपको दिख सकती है इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट तीन मैचेस खेली हैं जहां है वन ट्वेंटी टू की ही एवरेज से प्लस इनके मैचर वर्सेस यूपी बैटर्स की मैं बात करूं तो इन्होंने भी काफी बैटर्स को परेशान किया है क्रिस हैरिस को नौ इनिंग्स में से पांच बारी आउट किया है तालिया मैगरात को भी तेरह इनिंग्स में से पांच बारी आउट कर चुकी है दोनों का एवरेज अंडर टेन का है अली सहेली की बात करें तो उन्होंने भी नाइनटीन इनिंग्स में से चार बार ही आउट किया है इन्होंने अब बात करेंगे दोस्तों मिलिया केयर की तो अमिल्या केयर का बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है पहले मैच में 24 फोर रन्स भी बनाए दो विकेट्स भी निकाली लास्ट मैच फोर फोर लेकर आ रही हैं एक शोर शॉट सेफ कैप्टनसी मटेरियल रहेंगी इस गेम के लिए भी प्लस आपको डेथ में भी बोलिंग करते हुए दिखेंगी हेड टेट रिकॉर्ड की बात करें तो तीन इनिंग्स में चार विकेट्स वहां भी निकाल चुकी हैं एंड इनके मैचअप की बात करें वर्सेस यूपी बैटर्स तो इनके मैचअप भी काफी अच्छे हैं तो अलमेहरत को दस इनिंग्स में से पांच बार ई आउट कर चुकी हैं चमारी अट्टापटू को भी दस इनिंग्स में से चार बार ही आउट कर चुकी है दीप्ति शर्मा को सात इनिंग्स में से दो बार ही आउट किया है और हीली और ग्रेस हैरिस की भी एक एक बार विकेट निकाल चुकी है तो अगेन एक बहुत ही अच्छी कैप्टेंसी मटीरियल बन सकती है इस मैच में बात करते तालिया मेघरथ की दोस्तों तो तालिया मेघरत ने फर्स्ट मैच में एक विकेट निकाला लास्ट मैच में जरूर विकेटलेस रही बट हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो पिछले तीन मैचेस में इन्होंने 38, 55 और 7 रन की पारी खेली है जिसमें 7 रन की जो पारी आई थी उसमें रन आउट हुई थी एंड पहले दोनों वाले मैचेस में आउट नहीं हुई है बट इनका मैचअ थोड़े से ट्रबल सम है वर्सेज एम आई अगर आप यहाँ देखोगे तो मिल्ला कैंड ने इनको पांच बार आउट किया है अलॉन्ग विद केवर हेली मैथ्यूज भी इन्हें चार बार ही आउट कर चुकी है एंड पूजा वस्त्रकर ने भी दो बार इनकी विकेट निकाली है तो यहाँ पे हम इन्हें सेफ कैप्टनसी के बदले डिफरेंशियल कैप्टनसी में लेके जाना चाहेंगे क्योंकि बोलिंग फर्स्ट अगर ये करती है तो पावर प्ले में थ्रेटफुल साबित हो सकती है तो हम इन्हें एज अ डिफरेंशियल कैप्टन लेके जाएंगे इस मैच में दीप्ति शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो पहले मैच में एक विकेट निकाली दूसरे मैच में इन्हें विकेट्स नहीं मिली एंड केवल पांच रन ही इन्होंने बैटिंग से बनाए बट यूज पिच अगर होती है जैसे कि काफी अब मैचेस हो गए हैं तो यहाँ पे इन्हें एक्स्ट्रा हेल्प मिलते हुए दिख सकती है प्लस हमने ऊपर देखा कि स्पिनर्स को असिस्टेंस भी यहाँ पे मिल रही है इसके अलावा आ, पिछले तीन हेड गेम्स की अगर मैं बात करूं तो जहां पे ये एम आई से जीते थे केवल एक मैच में वहां पे दीप्ति ने ही दो विकेट्स निकाली थी इस वेन्यू की अगर बात की जाए तो ऑलराउंड रिकॉर्ड काफी अच्छा है इनका यहां पे स्पेशली डोमेस्टिक टी ट्वेंटीज में नौ इनिंग्स में यहाँ पे 204 सौ रन्स बना चुकी हैं 51 की एवरेज से एंड बोलिंग साइड से भी 10 इनिंग्स में 13 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाल चुकी हैं तो हम यहाँ पे दीप्ति शर्मा को भी अपनी बेस्ट टीम में लेकर जाएंगे बोलिंग सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे दो प्लेयर जो हम लेके जाएंगे वो गए मुंबई इंडियंस के शबन मिसमाइल और यूपी वॉरियर्स की सोफी एक्स्टर शबन मिसमाइल हमने सबने देखा कि लास्ट मैच में कितनी ब्रिलियंट बॉलिंग उन्होंने करी पावर प्ले में ही तीन विकेट्स निकाल दी थी एंड सिमिलरली अगेन अगर एम पहले बोलिंग करती है तो यहाँ पे शबन मिसमाइल काफी थ्रेटफुल साबित हो सकती है एंड इनका मैचअप वर्सेस हीली जो है हीली को इन्होंने परेशान किया है नौ इनिंग्स में तीन बारी हीली के विकेट निकाल चुकी हैं एवरेज है नाइनटीन का सोफी एक्स्टन की अगर मैं बात करूं पिछले दोनों मैचेस में ही एक एक विकेट निकाल कर आ रही हैं एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड ब्रिलियंट है एमआई के अगेंस्ट तीन इनिंग्स में छह विकेट्स इन्होंने निकाली हैं मुंबई इंडियंस की एंड इनका मैचअप अगर एमआई बैटर्स के अगेंस्ट अप देखोगे तो हेली मैथ्यूज को चौदह इनिंग्स में से छह बारी आउट कर चुकी हैं अमिलाकर को भी नौ इनिंग्स में से तीन बारी आउट कर चुकी हैं हरमनप्रीत कौर को भी तीन बार आउट किया है इसके अलावा अमनजोत कौर नाइट्स केवर एस्तिका भाटिया को भी एक एक बार इन्होंने आउट किया है एंड अगेन जैसे मैंने आपको वेन्यू एनालिसिस के टाइम बताया कि स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस यहाँ पे दिखेंगी तो सोफी एकल्सन एक बहुत अच्छी सेफ कैप्टेंसी मटेरियल भी आपके लिए बन सकती है इस मैच में तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे नाइन प्लेयर्स जिन्हें हम शोर शॉट लेके जाएंगे अपनी टीम में बैटिंग सेक्शन से हरमनप्रीत कौर ग्रेस आ, और ग्रेस हैरिस ऑलराउंडर सेक्शन से हो गए नाइट्स के ब्रंथ हेली मैथ्यूज अमिल्ला गैर ताला मैगरात और दीप्ति शर्मा एंड बोलिंग सेक्शन से हो गए शबनम इसमाइल और सोफी एक्लस्टन अब अगर मैं टेंथ प्लेयर की बात करूं आपकी टीम में जो कि की विकेट कीपिंग साइड से हो जाता है तो हमने यहाँ पे चेजिंग डोमिनेंस देखा है तो जो भी टीम चेज कर रही है आप उसके विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं अगर यूपी uh, वॉरियर्स चेस करते हुए दिखती है तो हम अल सहेली को एज अ टेंथ प्लेयर पिक कर सकते हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में कुछ किया नहीं है बट अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे टी में सिंस 2023 तो बैटिंग सेकंड एनी वे इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है सत्रह इनिंग्स में 33 की एवरेज से ऑलमोस्ट 500 हंड्रेड रन बनाए हैं जो कि बैटिंग फर्स्ट इनका एवरेज 23 का हो जाता है इन मैचअप वर्सेज एम आई बोलर्स थोड़ा सा ट्रबल सम रहा है हेली मैथ्यूज ने इन्हें परेशान किया है और शबनम इसमाइल ने इन्हें परेशान किया है तो इन दोनों से थोड़ा सा संभल के जरूर खेलना होगा अलिसा हेली को अगर मुंबई इंडियंस चेस कर रही है तो आप विकेट कीपिंग सेक्शन में भाटिया के साथ जा सकते हैं हमने ऑलरेडी देख लिया पहले मैच में हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही है एंड काफी अच्छा कैलेबर रखती है रन स्कोर करने का बैटिंग सेकेंड डेफिनेटली ट्राई किया जा सकता है इन्हें थोड़ा सा जो इनके अगेंस्ट चीज जा रही है वो इनका मैचअप है वर्सेज लेफ्ट आर्म स्पिन बोलिंग तो सोफी ऐकलसन और राजेश्वरी गायकवाड़ से इन्हें थोड़ा सा थ्रेड साबित हो सकता है बट बाय द टाइम दे कम फॉर बोलिंग ऑलरेडी कुछ रन आपको देकर जा चुकी होंगे इलेवेंथ प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी पहले बॉलिंग कर रही है साइड उससे आप एक बॉलर को पिक कर सकते हो अगर यूपी वॉरियर्स पहले बॉलिंग कर रही है तो आप राजेश्वरी गायकवाड़ के साथ जा सकते हो पहले मैच में टू फोर लिया लास्ट मैच में जरूर विकेटलेस रही हेड टू हेड रिकॉर्ड में तीन इनिंग्स में तीन विकेट निकाल चुकी हैं बट इस वेन्यू पे अच्छा खेला इन्होंने स्पेशली बोलिंग फर्स्ट ही बोलिंग फर्स्ट आठ इनिंग्स में बारह विकेट्स निकाल चुकी है एंड बोलिंग सेकंड सात इनिंग्स में पांच विकेट्स निकाली है इस वेन्यू पे तो अगेन बोलिंग फर्स्ट अगर यूपी वॉरियर्स कर रही है तो आप इलेवंथ प्लेयर राजेश्वरी गायकवाड को लेकर जा सकते हैं इसके अलावा अगर मुंबई इंडियंस पहले बोलिंग कर रही है तो पूजा वस्त्रकर या फिर साइका में से आप किसी को भी पिक कर सकते हैं साइका ने ऑल दो लास्ट मैच में बोलिंग नहीं करी बट इस मैच में हमें लगता है कि ये बोलिंग करते हुए दिखेंगे क्योंकि हमने देखा यूपी वॉरियर्स ने भी रिसेंटली राधा यादव के अगेंस्ट चार विकेट्स खोए हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिन को खेलने में इन्हें दिक्कत होती है मोस्टली राइट हैंडेड बैटर्स ही आपको इनकी टीम में दिखेंगे तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइका इशाक डेफिनेटली कुछ ओवर्स करते हुए दिखेंगी एंड हमने देखा था कि लास्ट मैच में जब साइका शाख ने बोलिंग नहीं करी थी तो वहां पे तनुजा कन्वर मोस्टली बोलिंग कर रही थी क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैटर्स ज्यादा थे उस टीम में तो यहाँ पे आप साइका ईशाक को भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो एज योर इलेवेंथ पिक अगर मुंबई इंडियंस पहले बोलिंग कर रही है तो तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम्स जो फाइनल फैंटेसी टीम है वो आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही एंड अगर आप देखोगे अभी तक व्यू स्पोर्ट डब्ल्यू पी की जर्नी कैसी रही है तो आप देख सकते हो पहले मैच में क्लीन स्वीप रहा विद 773.5 पॉइंट्स सेकेंड मैच में लॉस हुआ बट थर्ड मैच अगेन हमारा क्लीन स्वीप था एट सिक्सटीन पॉइंट्स बने एंड अप टू हंड्रेड मेंबर्स तक की लीग भी हमने जीती फोर्थ मैच की बात करें तो वो भी प्रॉफिटेबल रहा जहाँ पे हमारे फोर पॉइंट्स बने एंड काफ़ी सारे यूजर्स ने पैसे कमाए आप सेम हमारी जर्नी फॉलो कर सकते हो व्यू स्पोर्ट डब्ल्यू के नाम से भी आपको वीडियो इस प्रिव्यू के एंड में मिल जाएगी एंड वहां पे जाके आपको लिंक भी मिल जाएगा हमारे व्यू स्पोर्ट डब्ल्यू के आईडी का एंड इसके अलावा डब्ल्यू का सीजन पैक भी लाइव है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर टू फोर्टी में डब्ल्यू के जितने भी मैचेस है उनका फैंटेसी इलेवन आप देख सकते हो एंड अगर आपको आगे जाके आईपीएल भी खेलना है तो डब्ल्यू प्लस आईपीएल का सीजन पैक भी लाइव है वन में तो आपको जो भी पैक पसंद है आप वो अवेल कर सकते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप पर जाकर अब हम बात करेंगे दोस्तों सेफ कैप्टनशी पिक्स की तो यहाँ पे हम जो सेफेस्ट कैप्टनशी पिक्स हमारी रहेंगी वो रहेंगी मिल्क नैट्स केवर वर्ब्रंट और हेली मैथ्यूज एंड इसके साथ साथ बोलिंग सेक्शन से हम सोफी एक्स्टन को भी लेकर जाना चाहेंगे डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करूं तो हम यहाँ पे रेकमेंड करेंगे ग्रेस हैरिस को जैसे मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पे बोलिंग करते हुए दिखनी चाहिए इस मैच में आपको दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन देंगी एंड दूसरी होगी तौलिया मैगराथ इन दोनों को हम बैक करेंगे एज अ डिफरेंशियल कैप्टनशी पिक्स तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रिव्यू मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रिव्यू के साथ थैंक यू सो मच